हेलो स्टूडेंट्स, आज आम डिस्कशन करूँ प्लस टू सेकेंड इयर कमर्स सिलेबस तार माने कौ प्रोसेस रे तुमको पढ़वार अच्छी जो टाइम टेबल कौन रखिक पढ़ प्रिपेरेसन करार अच्छी ओवरऑल सिलेबस को मुझे बेसीस एनालिसिस करी जी तुम सिलेबस को मुझे एनालिसिस करी जहाँ सब डिटेल्स कह पूरा वीडियो को जब तुम शेष पर्यंत देखिदेव कम्प्लीटली मुझे कह तुम निहाती तुम्हें 2-3% मार्क एमती भी तुम बढ़ीज कहीं बढ़ीज मुझी ना तुम्हें से मोटेट तो है ही पढ़ापाई। ओके, तो यदि वीडियो को तुम्हें शेष पर्यंत देखु देख पिले आम जो सेकेंड इयर सिलेबस बर्तमान आम डिस्कसन करा जाऊँ ये हूँ तुम 2023 जो मैंने पढ़ु मानने सेकेंड इयर है जो मानकर आ जो मैंने 2024 जो बोर्ड एग्जाम देते। ओके, तो स्पेशली ये जो क्लास माने जो वीडियो मु बनाऊँ आज ये हूँ तुम्हारो मोर लक्ष्य कौन ये सब पिलाखे वीडियो पहुँचवा दरकार किंतु आम पिला शेयर करूना वीडियो जो द्वारा कि बड़े दुखर सहकार कौच पिला वीडियो को शेयर करूना सांगसाथी को शेयर कले वीडियोटा जाकि पिलाखे पहुँच ना पिला कौन आप कमी जानवे सब पिला। ओके, देख ये आमर ओवरऑल 100 पिला परीक्षा देला कि कौन हो ना 30 भली पिला फर्स्ट डिविजन पाँच कमर्स आउ बाकी हूँ तुम मैंने 30% भली सेकेंड डिविजन थर्ड डिविजन पाँच 20% भली सेकेंड डिविजन पाँच आउ 20% भली कौन होती 100 जन पिला परीक्षा देला आउ 20% भली कौन होती फेल हो जाऊँच। ओके, या हूँ ओवरऑल मैंने 60% रु मार्क रखा पिला ओनली 30% भली 60% रु अधिका। ओके, ता माने बहुत खराब रिजल्ट हो ओवरऑल बेसिस रे देखिया गले कहीं कारण कौन ना आम पिला जगुना पाठ को जगुना पाठ सहित अपडेट रोना बहुत केयरलेस करठ को कौन पाई कर जापर आ प्रॉपर गाइडेंस भी मिलूनी आ बहुत पिला भी निजे निजे कौन आम बहुत तुम्हें पे निजे भिड देखो तो तुमको खराब लगे सत कह गए ये रिजल्ट बहुत खराब ये रिजल्ट बहुत खराब तुम्हें निजे चिंता कर 100 जन पिला परीक्षा देला कि तो यही कि कौन पाई हो कारण कौन 30% पिला मानने तुम जो टोटाल है 100% 100 मार्क जी मुझे कहि तो ये ओनली 30% पिला मानने 60% कि अधिक रखुच्च मात्र 30 पिला 100 पिला परीक्षा देला कि आउ जो मैंने 60% भितर मार्क रख मैंने 60% मानने तौक रही जाऊँगी बैलेंस तुम केसेंटेज पिला बैलेंस तुम हो 70% स्टूडेंट्स एवं बुझिपार तो कौन हो बहुत खराब रिजल्ट हो। ओके, तो ये मोर लक्ष्य कौन पिलाखे वीडियो पहुँचवा दरकार आ पिला ये जिनस को भलसे टी देखा दरकार जे मुझे कौन कौच एक्चुअली देख तुम टोटाली पूरे 6 पेपर टोटाली पूरे 6 पेपर तुम ये जिनस तुमको तो जना थ तुम्हें भी अलरेडी किसी पढ़वन किए कौट कोचिंग कोचिंग जाए पढ़ु थो तुम 6 पेपर 6 पेपर है तुम्हें टीचर उपरे मो फास्ट रू भिडे कौच देख टीचर उपरे बेसी डिपेंडेंस भी तुम रही न रहा भी दरकार तुम्हें पाठ निजे भी बुझीज बहुत सारे जिनस तुम्हें निजे बुझीपार बास खाली जस्ट कि टी देखार अच्छे कौन केमी कर देख पे ये 6 पेपर रु तुम इंग्लीश गोटे पेपर कंपलसरी तो पलि जाऊँगी गोटे पेपर कंपलसरी पलि ओडिया मैंने भितर कि भी रही पार बेंगली हिंदी ओडिया किसी भी रखिपार मैंने MIL अंडर में तुम कि गोटे पेपर कंपलसरी रही पार मैंने टोटाल पर 2 पेपर तुम कौन पलैगला ना हूँ कंपलसरी पेपर। ओके, कंपलसरी पेपर तुम 2 पेपर पलैगला मुझे कहूँ इंग्लीश गोटे आउ MIL अंडर में तुम देखिपार बहुत सारे पेपर अच्छी जेकोसी गोटे थी। ओके, 2 पेपर कंपलसरी पलैगला आउ जो 4 पेपर आउ जो 4 पेपर तुम अकाउंटेंसी तो गोटे पेपर थी निश्चित बिजनेस स्टडी मैनेजमेंट गोटे बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स गोटे पेपर रनटा पेपर होगा 4th ऑप्शन बा इलेक्टिव जोटा से तुम गोटे पेपर बेसिकली तो कॉस्ट अकाउंटिंग पिला बेसी पिलांकर रोची नॉन नाइ फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ बहुत कम पिलांकर तुम बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रोची ता माने जो 4 पेपर तुम रहइबो ये 3 पेपर रहिला फर्स्ट सेकंड थर्ड है कि 3 पेपर रहिगला आउ गोटे पेपर या गोटे कोटा गोटे रही थो मैंने 4 पेपर है 400 मार्क तापर मुझे तुमको कह जो 4 पेपर इंग्लीश आउे जो कंपलसरी पेपर आम देखुले कंपलसरी पेपर तो 200 मार्क्स 100 करके 200 से तुम किसी प्राक्टिकाल भाइबा फाइबा किसी ना बास खाली से डायरेक्ट मैंने 100 मार्क से पूरा परीक्षा तुम बोर्ड परीक्षा दब
किंतु यही चार्टा पेपर में तुमको 100 मार्क लेखा देवा पड़ी सब पेपर में केते देवा पड़ो 80 80 20 20 मार्क तुम कौन हो प्रोजेक्ट भाई बा पड़े जाइए। ओके ये हूँ चार्टा पेपर में तुमको 80 80 मार्क देवार अच्छी आज जी आई टी थी से मैंने 70 मार्क बोध रोटा बोधे तुम 30 मार्क बोधे से प्राक्टिकाल रोचे जी मुझे। ओके तो यहाँ हूँ 80 80 मार्क तुमको परीक्षा देवार अच्छी 80 80 देले तुम ऑलरेडी 20 20 पड़े जाए कौन प्राक्टिकल मार्क 20 20 80 मार्क पड़े चार्टा पेपर है 80 मार्क पड़ेज तमें 80 है कि तुम के पखापाखि तुम 80 तुमको 75 भली तो मिनिमम रहा दरकार जमी कारण प्रोजेक्ट और भाईवर मार्क नर्माली न कटा दरकार आई भी टीचर दबा दरकार पिला मार्क आ बुझेदार अच्छे कौली कौन प्रोसेस प्रिपेरेसन हो पिला से अनुसार सबमिट करेंगे तो भाई हम तापर हो कौन हम ये किसी बड़ जिनस नुहे बहुत इजी प्रोसेस तो ये तुम 75 तो मिनिमम रहा दरकार आशी रु 80 रही भी किसी प्रोब्लम ना जो जो चार्टा पेपर क्या मुझे चार्टा 20 20 मार्क सब पेपर रोचे गला ता माने एबे तुम हाथ में धरी नियो टारगेट अन एन आवरेज बेसिस रे तुम 75 मार्क्स ऑलरेडी रही गला एया बुझि दियो तापरे माने एटा नहीं 75 हे तो कार अधिक भी रही पारे कार दि मार्क कम भी रही पारे किंतु 75 तो मिनिमम से भली पाखापाखी रहा दरकार तापरे तापरे जो तुम इंग्लीश गोटे पेपर हम इंग्लीश पेपरटा इंग्लीश पेपर में तुम एमती भी तुम हूँ मिनिमम मार्क कथा कौन मैक्सिमम मार्क तो मानने इंग्लीश रे मैंने पिला तो बेस रखी पार ना मैंने बहुत सारे पिला खराब कर इंग्लीश रे इंग्लीश रे रखी रखी तुम्हें केते रख मैक्सिमम 70 100 70 रोचे पिला भल अति भल लिखुची से भाई किसी रोच बेसी मार्क तो प्राय पिला रखुना सेमती जन जन 80 85 रखुना से अलग कथा कि आवरेज स्टूडेंटर कौन 50% रु तौक रखुच्च बहुत सारे पिला। ओके मैंने 50 तौक रोच इंग्लीश की जब तुम्हें जगव हुए तो रही पारे अधिक कि इंग्लीश में बहुत पिला खराब कर मार्क बहुत कम मार्क रखुच्चे 100 मार्क आवरेज बेसीस ना जी आम मैंने मुझे कह भी आवरेज बेसीस कहना यहाँ पिला 60 भली रखुच्ची मार्क्स मुझे भी काउंट को नौ अधिक नौना। ओके अधिक तुम्हें जब रख लो तो भल कथा किंतु आवरेज बेसीस भल स्टूडेंट 60 मार्क्स भाई इंग्लीश रखुच्च ओडिया कि बेंगली जहाँ तुम रखुच्चर तुम धरीनियो आवरेज बेसीस धरले आम 70 80 धरीनियो जी भल स्टूडेंट गोटे 80 मार्क भी रखुच्चे टी भल पढ़े तो 99 भी रखिद कौन ओडिया पेपर ओडिया हिंदी बेंगली जहाँ रखुच्च सांस्कृत तो ये पेपर दुटा तो जहाँ ओवरऑल बेसिस तुम्हें चाहिए भल करगव कि इंग्लीश में बहुत 30 32 पिला रखा पिला बहुत सारे अधिक मैंने 32 35 33 एमती सब पिला रखुच्च। ओके मैक्सिमम स्टूडेंट से 30 40 भितर रोचे एमती बुझा गले मैंने टीके बिलो परफॉर्मेंस करूँ तो से 30 40 रखा पिला अधिक बाहर इंग्लीश में। ओके तो गला तुम एवं तुम हाथ में कैसे मार्क रहा आ चार्टा पेपर 80 80 मार्क 320 320 को तुम्हें टिके जदि जगव माने चिंता करो तुम हूँ 30% रखिले पास मार्क सब पेपर पर 80 80 मार्क ना 80 तुमको 24 मार्क 30% सब पेपर 24 24 तो रखा पड़ो पास होगाकर मुझे तुमको कहबी ए 30 30 मार्क रखा पड़ो इंग्लीश ओडिया तुमको 30 30 मार्क रखिले पास हम मिनिममटा तो ये जो जो चार्टा पेपर में तुमको एवं कौन करार अच्छी एक जगार अच्छी जगे केमती तुम्हें मार्क उठे पार। ओके ये चार्टा पेपर 320 मार्क इंग्लीश आऊँगी कौन ओडिया को तुम्हें केमी जगे मार्क सब बढ़े पार इंग्लीश ओडिया तो पिला 99 भी रखुच्च बहुत सारे पिला साइंस देखी पिला गुड़ा बहुत सारे 90 बहुत भल मार्क रखी 90 80 97 एमती रखिंट तो मैंने ओडिया पेपर कथा कहूँ मुझे कंपलसरी पेपर इंग्लीश में बहुत सारे पिला खराब करेटा तुमको जगवार अच्छी एवं गला एबे तुमको बतेबी जे तुम फर्स्ट डिविजन मार्क केते तुम्हें निजे चिंता कर तुम ऑलरेडी एथिरे 75 रही जाइए कौन मानने प्राक्टिकल वर्क आउ 520 रु तुमको केते मार्क रखिबार अछि फर्स्ट डिविजन पाया गले तो फर्स्ट डिविजन पाया गले तुम 75 मार्क्स एमती रही तुम्हें फर्स्ट डिविजन 360 मार्क दरकार 600 360 मार्क दरकार 60% ताले ऑलरेडी 75 तुम एमती भी रही 10 रु 5 गला 5 तापर हो तुम ये कैसे अच्छे 15 रु 7 गला 8 तापर हो ये होला कैसे 285 मार्क्स तुमको रखियार अच्छे फर्स्ट डिविजन पाया के 520 रु 520 तुमको रखियार अच्छे के 285 मार्क। ओके 520 रु तुमको 285 मार्क रखिले जा तुम फर्स्ट डिविजन हम
ସେହି ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଦେଖିବ କେମିତି କ'ଣ ତୁମେ କରିବ। 285 ମାର୍କ ତ ଏମିତି ବି ଜଗିଲେ ତୁମର ଆରାମସେ ରହିଯିବ, ହେଲେ ମିନିମମ 60% ରଖିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଆଗ୍ରିଗେଟ୍ ଲେବୁଲରେ, ତ ଏଇଟା ରହିଯିବା ଦରକାର। ଓକେ, ଏବେ ତୁମକୁ ସିଲାବସ୍ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଏଠି କେଉଁ ପେପରରେ ଅଧିକ ମାର୍କ ସବୁଠୁ ରଖିହେବ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟାନ୍ସି ଗୋଟେ ପେପର ହେଲା, ସେଥିରେ ତୁମର 99 ରହିଯିବ ଆରାମସେ। 100 ବି ରଖୁଛନ୍ତି ରଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ 99 ରହିଯିବ। ଓକେ, କାହିଁକି କହୁଛି, ବହୁତ ଇଜି। ସ୍ପେସିଆଲି ଏଥିରେ ତୁମେ ଥିଓରି ପର୍ସନକୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରଖିବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଥିଓରିକି ଟିକେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇକି ପଢ଼ିବ। ଓକେ, ଥିଓରିରୁ ବେଶୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଛି, ଧରିନିଅ ଥିଓରି ହେଉଛି 65। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ନା, ଦେଖ ଆକାଉଣ୍ଟାନ୍ସି ପେପରରେ ଲେଖା ଅଛି କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବେଶୀ ଆସୁଛି ଥିଓରିରୁ। ଥିଓରି 75 ମାନେ ଯେଉଁ 80 ମାର୍କରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ, 80 ମାର୍କ ଯଦି ତା ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବେସିସ୍ରେ କହିବି, 65% ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଥିଓରି, 35% ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ। ଓକେ, ଏମିତି ବି ତୁମେ ଥିଓରି ପଢ଼ିଲେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ତୁମର ହେଉଛି 90% ମାର୍କର ତୁମେ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ, କାରଣ ଅପସନ୍ ବି ତୁମର ଏମିତି ପଡ଼ୁଛି। ଓକେ, ମିନ୍ସ ଯେମିତି କହିଥିବ ତୁମକୁ ହେଉଛି ଏଇ 3 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରୁ ଯେକୌଣସି 2 କର କି ଗୋଟେ କର, ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ତୁମେ ଥିଓରି ପର୍ସନକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇକି ଭଲସେ ଲେଖିକି ନୋଟ୍ ବନେଇକି ତାକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବ। ଓକେ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଛି। ସ୍ପେସିଆଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ବି କହିଦେଇଛି କେଉଁଥିରୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ନାହିଁ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ବି ଦେଇଛି, ତାକୁ ବି ଆମେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ବି କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ଆକାଉଣ୍ଟାନ୍ସିରୁ ବେଶୀ ଥିଓରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ଆଗକୁ ବି। ଓକେ, ଗଲା, ତାପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେଉଁ ପର୍ସନ୍ରୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ବି କହିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ତୁମେ ହେଉଛି ଥିଓରିକୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇକି ପଢ଼ିବ। ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ ଜେନୁଇନ୍ ଆନାଲିସିସ୍। ଓକେ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ କହିବି ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟଡି, ଇଏ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଥିଓରି, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଥିଓରି। ୟାଦେହରୁ କ'ଣ କରିବ ନା, ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଚାପ୍ଟରକୁ ବୁଝିଗଲ, ତାପରେ ସବୁ ଥିଓରି ଯେତେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପସିବୁଲ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ କ'ଣ କରିବ, ଲେଖିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ଲେଖିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଘୁଷିବନି, ଲେଖିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ତା'ର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେବ, ତା'ପରେ ଲେଖିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ତୁମର ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ତୁମେ ତାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଓକେ, ଏଥିରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଥିଓରି, 100% ଥିଓରି। ତାପରେ ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠି ଖାଲି ଗ୍ରସ୍ଲି କହୁଛି, ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ 2 ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ପାର୍ଟରୁ, ତାକୁ 100% ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଦେବ, ପୁରା ସହଜ। ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ତୁମେ ପଢ଼ି ଦେଉଛ, ଯେଉଁ 80 ମାର୍କର ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନା, 20 ମାର୍କ ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ପଳେଇଯାଇଥିବ, 80 ମାର୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ହେବ ନାଇଁ, ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ, ପରୀକ୍ଷାରୁ ତୁମେ ପାଖାପାଖି ଯଦି ଲାଷ୍ଟ 2 ୟୁନିଟ୍କୁ ଭଲସେ ପଢ଼ି ଦେଇଥିବ, ସେଥିରୁ ତୁମେ ମାନେ 80 ମାର୍କରୁ ତୁମେ 65 ମାର୍କସ କିମ୍ବା 65-70 ମାର୍କସ ଭଳି ତ ଆନ୍ସର ଆରାମସେ ଦେଇଦେବ। ଓକେ, କ'ଣ କହିଲି, ଲାଷ୍ଟ 2 ୟୁନିଟ୍କୁ, ଲାଷ୍ଟ 2 ୟୁନିଟ୍କୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ପାର୍ଟର, ତାପରେ ଡିଟର୍ମିନାନ୍ସ ମେଟ୍ରିକ୍ସ ଯେଉଁ ରହିଲା ତୁମର, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଅଛି, ଡିଟର୍ମିନାନ୍ସ ମେଟ୍ରିକ୍ସକୁ ଯଦି ତୁମେ ଭଲସେ ପଢ଼ି ଦେଉଥିବ, ତୁମେ ଏମିତି 75 ମାର୍କସ ଭଳି ତ ପାଇ ହିଁ ଗଲ। ଆଉ ଯେଉଁ 5 ମାର୍କ ଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଜଗିବାର ଅଛି ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ 2ରୁ। ଓକେ, ଏବେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ମୁଁ କ'ଣ ପଢ଼ିବି, ତା ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଗେ ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ୟୁନିଟ୍ ଆଉ ଫୋର୍ଥ ୟୁନିଟ୍କୁ କ'ଣ କର, ରାଣ୍ଡମ୍ଲି ମାନେ ପୁରା ଭଲସେ ଥରୋଲି ତାକୁ ପଢ଼ି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅ, ଜାଣିବ ଯେ ତୁମର 65 ମାର୍କସ୍ ତ ଏମିତି ରହି ହିଁ ଗଲା, ଯଦି ତୁମେ ଥାର୍ଡ଼ ୟୁନିଟ୍ ଆଉ ଫୋର୍ଥ ୟୁନିଟ୍କୁ ଭଲସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଦେଉଛ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ପାର୍ଟଟା, ସେଇଟା ସହଜ। ମାର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ତୁମେ ତୁମର ଯଦି କହିବ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବି, ଇଏ କରିବି, ତ ସେଇଟା ତୁମ ଭଲ କଥା, ତୁମେ ସବୁଟାକୁ ଭଲସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛ, ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମୁଁ କହିବି, ଯଦି ମାର୍କ ଖାଲି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ହେଉଛି ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ, ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ମିନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ଆଉ ଫୋର୍ଥ ୟୁନିଟ୍କୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି A to Z ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ, ତାପରେ ହେଉଛି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍କୁ। ଓକେ, ଥାର୍ଡ଼ ଫୋର୍ଥ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇ 3 ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି କହିବି, ତୁମେ ହେଉଛି ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍, ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ଆଉ ନିଃସରିକନ୍ତ ଥାର୍ଡ଼ ୟୁନିଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୁମର ଫୋର୍ଥ ୟୁନିଟ୍। ଏଇ 3 ୟୁନିଟ୍ ବେସିକାଲି ହେଉଛି ଥାର୍ଡ଼ ଆଉ ଫୋର୍ଥକୁ ଅଧିକ ମାନେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରଖିକି ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ, ଯେତେଥର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛ କର। ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ 75 ମାର୍କସ୍ ତୁମର ଜାଣିବ ଯେ ତୁମର ହେଇଗଲା ବୋଲି, ଯଦି ତୁମେ ୟାଦେହରୁ ଯେଉଁ 20 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଯଦି ତୁମେ ୟୁନିଟ୍ 3 ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ, ସେଥିରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5-7 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ, ଯଦି ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ନାହିଁ ତୁମର ଜରୁରୀ ବି ନାହିଁ, ଏମିତି ବି ତୁମେ 75 ଭଳି ତୁମେ 80ରୁ ରଖିଦେଇପାରିବ। ଓକେ,
ओके ओके गला ये हला ये हबो निश्चित रही तुम्हें जी तीन टा एम भलसे पढ़ी दौ 70 प्लस स्कोर तो निश्चित करदेव मत लगुच मैंने जी भलसे तुम्हें जी कह कि भी क्वेश्चन आसू मुझे आंसर दे पारि तापर कॉस्ट अकाउंटिंग रु एथिरु धर 65-35 प्रॉब्लम एया रख माने परसेंटेज बेसिस रे जदि मु कहबि 80 मार्क तुम्हें धरी नबो एया भूलि भाबि दियो जदि 70 ला 856 ओके 70 ला को 56 रु 60 भलि तुम्हें पाइजिव होजि कोन ना होजि थ्योरी क्वेश्चन पाइजिव आउ 24 भलि तुमको कोन प्रॉब्लम क्वेश्चन मे भी पाइ पारो ओके तो यही अप्रोक्स बेसिस रे मु कहूँ ता माने स्पेशली तुम्हें हूँ कौन कर सब यूनिट को समान भाव में प्रायोरिटी देखिए प्राक्ट कर कारण सब यूनिट रू क्वेश्चन ठीक से बांटी आसो कॉस्ट अकाउंटिंग कथा कौन आदि तुम कॉस्ट अकाउंटिंग ना FMA अच्छी ए से तो आहरी थीओरी अधिक पड़ो प्रॉब्लम क्वेश्चन कम पड़ार चानसेस अच्छी तेणुक भलसे जगव तुम्हें ओके तो ये भी सही पाखापाखी से रोज दुटा जगह प्रॉब्लम 65-35 जो थ्योरी क्वेश्चन 65 प्रॉब्लम क्वेश्चन 35% भाई तो बेसिकली हूँ सबुति थ्योरी की बेस इंपोर्टेंस दब ओके तापरे मु वीडियो रे टाइम टू टाइम कोई कौ यूनिट रू कौ प्रॉब्लम कौ टाइप रो प्रॉब्लम पढ़वार चांसेस अच्छी से अलग जिनस आगे तो यही बेसिस पढ़वार अच्छे तापरे मु तुमको कहबी जे ये तो आम जान लापर एवं तुम्हें कौन कर बेसीस प्रिपेरेसन कर देख सबुति गोटे गोटे नोट बनइब जमी आकाउंटासी बिजनेस स्टडी मैनेजमेंट है नोट एमती भी तुम्हें बनाऊ कि कहीदे सबुति गोटे गोटे नोट बनइब चार्टा जाक पेपर आउ इंग्लीश ओडिया भलसे नोट बनइब ओके तुम्हें एमती बेले बेले जो थीओरी तुमको सहज लगुच तुम तो एमती मन रही जाऊ रिविजन करेखिले तुम आराम से मन रही जाए गोटे गोटे थीओरी तुम मन रोन से सिलेक्टेड थीओरी को क्वेश्चन को कौन कर ना लिखिकी मन रख आउ टाइम टू टाइम कौन कर प्राक्ट कर ओके मगे एवं टी कौच तुमको कौ बेसीस ना जो स्टडी टाइम टेबुल केमी कर मीनस कौ पेपर को कैसे समय पढ़ डेली बेसीस तो डेली बेसीस तुमको कौन कर छा पेपर ओके छा पेपर को प्रति पेपर तो मिनिमम तुमको घंटे लेखा दबार अच्छी मिनिमम 1 आवर ओके सिक्सटा पेपर ना सिक्सटा पेपर प्रति पेपर को तो घंटे घंटे देने 6 घंटा है सेल्फ स्टडी कथा कौच ओके 6 आवर्स है पुणी कौन कर ना हूँ जी तुम्हें भल स्टूडेंट मान बहुत भल तुम स्किल अच्छी कहीं मुझे देख 6टा पेपर को तुम्हें प्रपोर्सन बेसीस दब एम नुहे आज एटा पढ़ी आज एटा पढ़वी काली सेटा पढ़ी एमती कर आज तीन टा पेपर पढ़वी काली तीन टा पेपर पढ़वी सेमती नुहे प्रतिदिन 6टा पेपर 6 घंटा तो मिनिमम रहा जी तुम दिन को 12 घंटा पढ़ल तेल सब पेपर को तो मिनिमम 2-2 घंटा तुम्हें दे पार आराम से किसी प्रोब्लम ना यदि तुम्हें 12 घंटा पढ़ुच दिन को सेल्फ स्टडी करुच यदि तुम्हें 10 घंटा पढ़ुच मैंने 9 घंटा पढ़ुच सतीन 9 ताले तुमको 1.5 आवर सब पेपर को तुम्हें दे पार कि प्रोब्लम ना तुम्हें कह MIL सहज अच्छे मुझे 1.5 आवर पढ़वी पढ़ कारण तुम जिते तुम्हें चिंता कर MIL 100 मार्क्स परीक्षा दब ओडिया पेपर मानक तुम अच्छी तुम्हें जब 100 रु 100 रखिदेल कि 99 रखिदेल इवा तुम उठेदेला बुझीप तुम कह कथा कौन सब पेपर को सामान मार्क्स रखापी तो सब पेपर को तुमको पढ़ाक पड़ो हाँ कैरियर क्या करा भल कथा किंतु एबे थोड़ी ना तुम्हें कैरियर विषय में चिंता करछ तुम्हें आगे पाठटा को तो बुझा दरकार सेकेंड इयर फर्स्ट इयर जहाँ बुझीच बुझीच मैंने जो सेकेंड इयर तुमको तो मार्क रखियार अच्छे ओके ये भी तो जरूरी ना तेणुक हूँ तुम्हें एया कर सब पेपर को समान भाव में नब तुम्हें कौन पिला कौन कर MIL इंग्लीश हो रखिदे के पिला MIL को टोटाल स्किप कर दूसरी तांकर जो प्रॉब्लम पेपर को पढ़ुं ना सब पेपर को सामान बेसीस नब से ही अनुसार हेले जाए तुम मार्क्स भल रके तापर मु कहि मो सजेसन हूँ दिनक तुम्हें 10 रु 12 घंटा आराम से एवं पढ़ी पार ओके 10 रु 12 घंटा भाई पढ़ जी अधिक तो पढ़ु बहुत भल कथा 10 रु 12 घंटा भाई पढ़ी पार आ 10 रु 12 घंटा पढ़ले तुम्हें जो पेपर तुमको कष्ट लगुच 2 घंटा तुम्हें दे पार ओके धरने मुझे आकाउंटासी 2 घंटा देली बिजनेस मैथमेटिक्स को 2 घंटा देदेली ओके आउ कॉस्ट अकाउंटिंग मन कर 1.5 आवर देदेली तेल 2-2, 4-5, 5.5 घंटा पलैगला ओके तापर हो बिजनेस स्टडी को मन कर डेली बेसीस गोटे गोटे चैप्टर बेसीस कवर करी
ताकू मनकर घंटे देदेली धरिनियो घंटे देदेली केते हेगला 2 2 4 5 6 6.5 घंटा हेगला एमआईएल को मनकर घंटे देली ओडिया को घंटे देदेली मिनिमम तो घंटे तापर इंग्लिश को मनकर मु होची 2 घंटा देदेली कि 1.5 घंटा देदेली ओके सही अनुसार तुम्हें जगिब तुमको मिनिमम घंटे घंटे देलापर जो पेपर कष्ट अच्छे तुमको लगुच कष्ट अधिक समय एवं दब कि जिते परीक्षा पाखे आसब से जो पेपर सहज लगे तुम अधिक समय दब कारण कौन अधिक मार्क रखापी ओके कि पेपर कष्ट लगुच कौन कर अधिक टाइम दब मैंने पूरा नुहे छाड़ देखिए पड़ो ना मुझे 15-20 मिनट अधिका दे पार कारण मार्क्स रखा तो दरकार परसेंटेज अधिक रखा दरकार तो ये कौन कर जो पेपर कष्ट लगुच पूरा जनवरी पर्यंत तुम्हें कौन कर सही रख जनवरी शेष पर्यंत से ही बेसीस रे पढ़ जो पेपर कष्ट लगुच जस्ट टी अधिक समय दब ता मो सजेसन हो दिनक 10-12 घंटा पढ़ले कई तुमक अटे पारे आराम से तुम 80% मार्क तो उपरे रख ही रख बहुत अधिक भी रखिदेव तुम्हें 80 तो कम कौच आरी अधिक तुम रखिदेव जो भी लेवल तुम थाओ ना कहीं मनकर तुम 3rd डिविजन पाइच 10th कि 2nd डिविजन पाइच 10th कि 1st डिविजन पाइच 10th से मैटर करनी जी तुम दिनक इन 10-12 घंटा जगिक परिश्रम कर मैंने तुमको ग्यारंटी देखिए कह तुम्हें भल मार्क भल परसेंटेज रख रख मोटिवेट है कि पढ़वार अच्छे तुम्हें यदि कह घर झगड़ा लगले क्रिकेट मैच है पदारे से आज ये फेस्टिवल आज रज छुट्टी कल ये छुट्टी कल सी छुट्टी टीचर एटा कहीदेले सेटा कहीदेले डिमोटिवेट हेलो को मोबाइल रे वीडियो देखीदेल ये कल सी कल ये कि कौन हो तुम टाइम जाऊँ ओके टोटल पर 24 आवर्स 24 आवर्स तुम खाइबा शोवा ये पलैगला 8 घंटा पलै जाऊ ओके आहरी तुम हाथ में 16 घंटा रहा 16 घंटा 3 घंटा भाई तुम 3 घंटा 4 घंटा तुम हूँ जी कलेज आवर्स अच्छी तो 3-4 घंटा गलापर जी तुम कलेज जाच जो दिन कलेज मैंने स्कूल गल से दिन तुम हे तो मैंने स्कूल पूरा क्लास करके आसीच से दिन तुम 9 घंटा पढ़ 10 घंटा पढ़ ओके आधिक किसी दरकार ना तो से दिन तुम कलेज जाच कलेज क्लास है कि क्लास तीनटा क्लास कर टाइम पलि जाइ तो से दिन तुम टे कम पढ़ी दियो कि जो दिन कलेज क्लास जाइन कि कौन कर दिन तुम अधिक समय पढ़ीदेव ओके एडजस्ट कर तो यही बेसीस प्रॉपर प्लान करके पढ़व टार्गेट रखिले रे डेली बेसीस कवर के कि डेली बेसीस 1.5 आवर कमीबा न कमीबा दरकार मानने 9 घंटू न कमीबा दरकार ओके 9 घंटू पढ़ुले जाए तुम 80-85 मार्क परसेंटेज रखिपार यदि तुम 5-6 घंटा पढ़ुच रेगुलर बेसीस 1st डिविजन तो होती हूँ मैंने से बेसीस तुमको जगवार अच्छे ओके गोटे प्रॉपर प्रोसेस रे पढ़ले पाठ हम अलिया करके पढ़वन अलिया कर पढ़वन टाइम टेबुल बनइब जे ये टाइम एटा पढ़ी से टाइम कारण सब समय सब जिन पढ़ी ना तुम्हें मनकर के तुमको टी चिड़चिड़ लगुव से थीओरी मनकर तुम्हें उपरि बिजनेस स्टडी छोटिया पतला बोटे धरिक तुम्हें पोखरी आड़ी पलैगल जाए गप भाया पढ़ीदेल गोटे चैप्टर को असुविधा कौन बुला बुला पढ़ी थो जे बिजनेस स्टडी की है एमआईएल पेपर की है इंग्लीश है तुम्हें बुला बुला जाए थीओरी चैप्टरटा बुझ न बुझ देख तुम्हें कह कई पिला कौन कहे मत बुझा पड़ूना बुझा न बुझा सहित किसी फरक ना जी तुम बुझा पड़गला गोटे थर में भल कथ सारे कतर शुणीदेल बुझीगल जदि भी न बुझीपार कि पढ़ टाइम टेबुल से पेपर को पढ़ ओके चैप्टर भी तो सब लिमिटेड नंबर चैप्टर अच्छे तुम मुझे कहल बुझीपाल तो उपरवली मनकर 4टा बेले दिन 4टा बेले तुम्हें कौन कर घर तुम विरक्ति लगुच बहटे पतला बहटा बिजनेस स्टडी चटी बुकटा तो सबू धरी पलैगल पोखरी आड़ हेपद आड़ बुले आसल पोखरी आड़ को गछमूल पाखे ठिया हो गए सब ठिया पढ़ीदेल घंटाटे अध घंटे जना पड़ोन से तुम पढ़ी पलि आसो ओके प्रॉपर क्लासिंग छात पर बुल पढ़ी दौंस पे छात पर बुल पढ़ी दौरान हॉस्टल मेस रे जो रोचे पोखरी आड़ ना से कौन करेंगे छात पर बस छात पर बुला बुला पढ़ी दौरान उपरवाड़ी ओके कारण गोटे अलग समय तुम बस बस विरक्ति गोटे गोटे जगह बसिक भी पढ़ा भी भल नुहे से समय तुम अलग आड़े टी पढ़ी भी मन खुशी से पढ़ी भी पार आज एमआईएल नहींगल पढ़ीदेल गोटे चैप्टर पढ़ीदेल बुला बुला आराम से बुझे बुझे हाथ में हाथ हल्ले बुझे बुझे पढ़ीदेव
ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିକ୍ କିଏ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ପଢ଼ିବ ପାଠ ଯେଉଁ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟରେ ରହୁଥିବ ଯଦି ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ରହୁଛ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ତୁମେ ଏଇଭଳି ବେସିସ୍ରେ ବି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ ଇଂଲିଶକୁ ନେଇଗଲ ଇଂଲିଶରେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିଲ ମନେକର ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ତୁମେ ତାକୁ ଲେଖିକି ରଖିବ ବୁଝା ପଡ଼ୁନି ସେ ପଢ଼ି ଦେଇକି ଅବହେଳା କରିବନି ଆଗେ ସେ ୱାର୍ଡ଼କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖିଦେବ ଯାଗେ ଆଜି ଏଇ ଚାପ୍ଟର୍ରେ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ ଓକେ ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ହେବ ତୁମର ଓଭରଅଲ୍ କଭର୍ ରହିବ ଲେଖା ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ଇଂଲିଶରେ ଯେଉଁ ବି ଗ୍ରାମାର ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବ ଯାହା ବି ତୁମର ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛି ଓକେ ତ ଏହି ବେସିସ୍ରେ ପଢ଼ିବ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅତି ଫ୍ରେଶ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି ସେ ସମୟରେ ମ୍ୟାଥକୁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସକୁ ଧରିକି ବସିଗଲ ଓକେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା କାଳେ ବସିଗଲ 1.5 ଘଣ୍ଟା ବସିଗଲ ତାକୁ କଲ ଆକାଉଣ୍ଟାନ୍ସି ଧରିକି ତା'ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଲ ଲାଗିଲା ତୁମକୁ ପୁରା ଫ୍ରି ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କିଛି ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଉଛୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ଆକାଉଣ୍ଟାନ୍ସି କିମ୍ବା ହେଉଛି ଇଏ ମାନେ ନହେଲେ ଯେଉଁ ଥିଓରି ତୁମର ମନେ ରହୁନି ଆକାଉଣ୍ଟାନ୍ସିର କି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ବି ବହୁତ ସାରା ଥିଓରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତ ତାକୁ ବି ଜଗିବ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ଧରିନିଅ 40 ମାନେ ହେଉଛି ଥିଓରି 60 ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପର୍ସନ୍ ଏମିତି ଭାବ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ଓକେ ଥିଓରି ବି ଅଛି ତା ଦେହରେ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍ଟରେ ବହୁତ ସାରା ଥିଓରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ୁଛି ଓକେ ତ ତାକୁ ଜଗିବ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଟିକେ ବେଶୀ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରଖିବ ଯେଉଁ 2-3 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମ୍ୟାଥରେ ସେକୁ ବି ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ତ ଆଗେ ଚାପ୍ଟର ବିଷୟରେ ଟିକେ ଗ୍ରସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ରଖିଦେଲ ତାପରେ ତାକୁ ବସିକି ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲ ବୁଝା ନ ପଡ଼ୁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସରେ କିଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଡିଟର୍ମିନାନ୍ସ ମେଟ୍ରିକ୍ସରେ ଏମିତି ବି ଅଛି ତୁମେ ତାକୁ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ସେ ଆପେ ଆପେ ବୁଝା ପଡ଼ିଯିବ ଓକେ ଆପେ ଆପେ ବୁଝା ପଡ଼ିଯିବ ଆକାଉଣ୍ଟାନ୍ସିରେ ବି ସେଇଆ ଜାଣିଯିବ ନା କିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଓକେ ତ ସବୁବେଳେ ଏକାବେଳେ ବୁଝା ପଡ଼ିଯିବ କିଛି ନାହିଁ ବୁକାଙ୍କ ଭଳିଆ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ଆପୁକାପେ ସେ ପୁଣି ବୁଝା ପଡ଼ିଯିବ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ କ'ଣ ନା ଏଇଭଳି ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟେ ଫୋକସ୍ରେ ରଖିବ ତୁମର ହେଇଯିବ ଜୋସ୍ରେ ରଖିବ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୋଇଗଲାଣି ଆଜିକାଲି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ସବୁଆଡ଼େ ହୋଇଗଲାଣି ତୁମକୁ ଆଗକୁ ଲାଇଫ୍ ଆଗକୁ ପଳାଇଯିବ ମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ତୁମେ ବାହାରିଯିବ ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ବେକୁଆର୍ଡ଼ ହୋଇକି ରହିବ ସେଇ ମୋବାଇଲ୍ ଧରିକି ଖାଲି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଧରିକି କ'ଣ ରିଲ୍ ଫିଲ୍ ଧରିକି ବୁଲିବ ସେଇଟା ଲିମିଟେଡ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ସେଥିରେ ଲିମିଟେଡ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ମାନେ ଛୋଟ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବନି ଆଉ କ'ଣ ଓକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବନି ସେଇଟା ତ କେହି ବି ଜଣେ କରିଦେବ ମାନେ 5 ବର୍ଷର ପିଲା ବି ଗୋଟେ ରିଲ୍ରେ ଧରିକି କରିଦେଉଛି 6 ବର୍ଷର ପିଲା ବି ମୋବାଇଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ବି ୟୁଜ୍ କରିବ କହୁଛି ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଆଗେ ଗୋଟେ ଲେବୁଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଅ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ମେଣ୍ଟେନ୍ କର ଆଉ ନିଜକୁ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ ତାପରେ ହେଉଛି ତୁମର ବୁକ୍ ମେଟେରିଆଲ୍କୁ ତାକୁ ଜଗିକି ପ୍ରପର୍ ବେସିସ୍ରେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ପଢ଼ ମୁଁ ୟା ପରେ ତୁମକୁ ଡିସ୍କସନ୍ରେ ପୁଣି ଗୋଟେ କେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଯେ ତୁମର ହେଉଛି କ'ଣ କେଉଁ ଚାପ୍ଟର୍କୁ କିଭଳି ପଢ଼ିବ ଓକେ କେଉଁ ଚାପ୍ଟର୍କୁ କିଭଳି ପଢ଼ିବ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ୟା ଭିତରେ କହିଲି ଫିର୍ ବି ତୁମେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଓକେ ଆଉ କିଛି ବି ଜିନିଷ ଅଛି ଯଦି ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ କହିବି ତୁମେ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରିକି ମୋତେ ଜଣାଇ ପାରିବ ମୁଁ ସେହି ଅନୁସାରେ 9776188019 କେବଳ ତୁମେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୁବିଧାଟା ମୁଁ ଦେଉଛି ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ମଝିରେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ କ'ଣ କରିପାରିବି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ସେଭଳି କିଛି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଯଦି କରିବି ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ